जनपद संभल के चंदोसी में एसडीएम और सीओ की मौजूदगी में वन वे को लेकर ई रिक्शा चालकों के साथ बैठक आयोजित की गई। शहर में ई रिक्शाओं की वजह से लगने वाले जाम से शहर की जनता को निजात दिलाने के लिए आज जनपद संभल के चंदोसी कोतवाली परिसर में एसडीएम महेश प्रसाद दीक्षित और सीओ अशोक कुमार सिंह की मौजूदगी में ई रिक्शा चालकों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें 1 जनवरी से शहर में ई रिक्शा चालकों के लिए वन वे की व्यवस्था लागू की जाएगी। इस विषय में पुलिस क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि शहर में ई रिक्शाओं के कारण लगने वाले जाम से जनता को निजात दिलाने के लिए वन वे की व्यवस्था 1 जनवरी से लागू कर दी जाएगी। अभी यहाँ पे चंदौसी के सभी लोगों का ये शिकायत थी कि यहाँ पे ई रिक्शा की वजह से चंदौसी में बहुत जाम लग रहा है। रिक्शा दोनों तरफ से उनका आवागमन चल रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण जाम की समस्या थी। इसी के परिप्रेक्ष्य हम लोगों ने आज एक मीटिंग आहूत की थी, जिसमें एसडीएम साहब भी थे, ईओ चंदौसी, टीएसआई और प्रभारी निरीक्षक कोतवाली। इसमें सभी रिक्शा चालकों को बता दिया गया है कि वो लाइसेंस इसका बनवा लें और बनवाने के बाद चलें, और वन वे ट्रैफिक का निर्धारण कर दिया गया है कि किधर से उनको जाना है और किधर से निकल के फिर पुनः वापस उसी जगह आना है। सभी को 2-3 बार भली भांति बता दिया गया है। उनको ये भी बताया गया है कि कहीं भी अगर रोके तो गाड़ी सड़क के किनारे उतार के रोकें, ताकि लोगों को आवागमन में बाधा न उत्पन्न हो। हाईवे पे अपनी गाड़ी को न चलाएं, ई रिक्शा प्रतिबंधित है हाईवे पे। और 18 साल से कम के जो लड़के ई रिक्शा चलाते पाए जाएंगे, उनकी गाड़ी को सीज कर दिया जाएगा। भले गाड़ी का कागज है, उनके पास सब कुछ है, लेकिन 18 साल से नीचे वाले का लाइसेंस नहीं, इसलिए उसको सीज कर दिया जाएगा। इस सारी बातों को बताया गया ताकि चंदौसी की जनता को चंदौसी बाजार में जाम के समस्या से निजात मिल सके। ये सर, ऐसी जानकारी सामने आई कि कल जिले के एसपी चंदौसी में आए थे, इन्होंने स्वयं इस समस्या को देखा, उसके बाद ही संज्ञान लिया गया है? नहीं, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं कि कल कप्तान साहब यहाँ आए थे, और वो आए भी होंगे तो अपने किसी पर्सनल काम से, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं। ये बहुत पहले से चल रहा है। ये दिवाली में भी आपने देखा होगा कि हम लोगों ने वन वे किया था, लेकिन बीच में किसी कारणवश वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, लेकिन उसको हम 1 तारीख से पूरे चंदौसी बाजार में वन वे ट्रैफिक की व्यवस्था लागू कर दिए हैं, और वो लागू रहेगा आगे। पहले ई रिक्शा चालकों ने नगर पालिका में अपने रजिस्ट्रेशन कराए थे, अब ये कहाँ से इनका लाइसेंस बनेगा? इनका ये तो रजिस्ट्रेशन इनका यहाँ फिर भी होगा, कल परसों से फिर इनके ईओ साहब से बात हो गई है, गांधी पार्क में वो उनका नंबरिंग होगी, आधार कार्ड, फोटो, ये सब लेके आएंगे और रजिस्टर में उनका नाम अंकित किया जाएगा। और लाइसेंस इनका, इनको एआरटीओ साहब द्वारा बता दिया गया है कि रजिस्टर्ड फर्म से ही क्रय करने के बाद वो जिस नाम से क्रय किया जाएगा, उसका लाइसेंस एआरटीओ ऑफिस से बनाया जाएगा।